नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। फरियादी विनोद पटेल ने बताया कि कैपेबल हब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक थे, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने कृष्ण गोपाल पटेल, जिनकी मालिकाना हक 40% और सी ए शुभम श्रीवास्तव और उनके सहयोगी कृष्णा चिल्हाते की मिलीभगत से शिकायतकर्ता विनोद पटेल के पैन कार्ड पर सिग्नेचर देखकर अन्य दस्तावेज पर सिग्नेचर कर कंपनी के मालिक बन गए। फरियादी विनोद पटेल ने बताया कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा जारी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और स्पाइस प्लस AOA MOA आरोपी गंज द्वारा तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज बोर्ड रिपोर्ट ऑफ कैपेबल हब प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर रेजिग्नेशन फॉर्म द डायरेक्टरशिप बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पर फर्जी तरीके से फरियादी पक्ष के सिग्नेचर करके कंपनी के मालिक बने और साथ में अपने साले ब्रज किशोर को भी डायरेक्टर पद पर ज्वाइन करवाया। फरियादी विनोद पटेल ने कई विभागों में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है और न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम विनोद कुमार पटेल है, कैपेबल हब प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, जिसमें मेरी 60% ऑनरशिप है। 40% दूसरे डायरेक्टर कृष्ण गोपाल पटेल जी हैं, जिनकी ऑनरशिप 40% है। उन्होंने हमारे साथ बिना हमारी उपस्थिति में हमारे सिग्नेचर का मिस यूज करके पैन कार्ड में जो सिग्नेचर है उसकी छवि कॉपी पेस्ट करते हुए डायरेक्टरशिप से रिजाइन लेटर पे साइन ले लिया बिना हमारे परमिशन के, और सीए श्री शुभम श्रीवास्तव के साथ मिलके तथा उसके एसोसिएट कृष्णा चिल्हाटे के साथ मिलकर उन्होंने एमसीए में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके मेरे DSC का भी मिस यूज करते हुए मुझे कंपनी से पृथक कर दिए। और इसके लिए मैंने शिकायत MP नगर थाने में और कमिश्नरेट भोपाल में और साइबर सेल भोपाल में शिकायत की। वहाँ से हमें आश्वासन दिया गया है कि इस पे जो उचित कार्रवाई हो सकेगी जरूर की जाएगी।